इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अब फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:11 तक रहेगी। आज सीता अष्टमी है। आज माता सीता की वंदना से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और शांति तो मिलती ही है। आज शाम 6:09 तक वज्र योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:38 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज कालाष्टमी भी मनाई जाएगी, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जायद योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मार्च की रात 8:40 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। देखिए, रात 8:40 से रात के समय कोई कचहरी नहीं खुलती, कोई हाईकोर्ट नहीं खुलता। लेकिन अगर आपको कहीं मान लीजिए कोई चार्जशीट मिल गई है, उसका जवाब देना है, या आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं न्याय पाने के लिए, जवाब देना, तो स्थाई जैद योग में आ गया। अगर आप न्याय पाने के लिए कोई प्रयास शुरू करना चाहते हैं, देखो बड़ा डिफरेंस है, एक है याई जैद योग, एक है स्थाई जैद योग। याई जैद योग न्याय पाने के लिए प्रयास इनिशिएट करने का समय, और स्थाई जैद योग है अगर आपको कोई चार्ज लग गया है तो उसका जवाब देने का समय, राइट। तो अभी हम याई जैद योग की बात करें, जैसे मात्र रात में आया, तो आजकल तो ईमेल से बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। उस समय ईमेल करिए, उस समय ईमेल फ्रेम करिए, उस समय आप बातचीत कर लीजिए लोगों से या मैसेज करिए और इनिशिएट समथिंग। और कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 लाइन लिख के भगवान के आगे रख के शुरू कर लीजिए, बाकी बाद में करते रहिएगा। अच्छे समय से काम को एक शब्द लिख करके भी शुरू करेंगे तो शुभ समय का लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 मार्च की सूर्योदय से रात 8:59 तक रहेगा। अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:34 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 10:09 से शाम 4:39 तक भी रहेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:34 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 10:09 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 मार्च की सुबह 6:49 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 7 मार्च की शाम 4:47 से 6:53 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:37 से दोपहर पहले 11:05 तक। मुंबई सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:21 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:39 से दोपहर पहले 11:06 तक। लखनऊ सुबह 9:22 से 10:50 तक। भोपाल
सुबह 9:35 से दोपहर पहले 11:03 तक, कोलकाता सुबह 8:51 से 10:20 तक 8:51 to 10:20, अहमदाबाद सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:22 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:21 से 10:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आज व्यापार में धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। घर में भाई बहनों के साथ समय बीतेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो उसे बढ़ाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑफिस में काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। कोई जूनियर आपसे किसी काम में मदद मांग सकता है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के दिन घर में छोटे बच्चों के साथ खेलने में समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आप व्यापार में कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। नवविवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। मित्र और परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। बच्चों की पारिवारिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, रिश्ते बेहतर होंगे। आज बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लाभकारी हो सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज राजनीतिक क्षेत्र में किसी काम को करने के लिए उच्चाधिकारी से मदद मिल सकती है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बनेगा। आज आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके लिए भविष्य के लिए लाभदायक होगा, लेकिन आज आप जल्द ही किसी पर भरोसा करने से बचिए। ब्लाइंड फेथ मत करिए, सोच समझ कर करिए। जीवन साथी के साथ समय बिताने से दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत की जल्द ही मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, जल्द ही सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज पुराने मामले में आप थोड़े उलझ सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। एक बार में एक से ज़्यादा काम हाथ में न लें, अन्यथा खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आज अपने कामों को लेकर आपकी प्लानिंग थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों का दिन आज थोड़ा बिजी रहेगा। परिवार के लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होगी, इससे आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज किसी व्यक्ति से थोड़ी बहस हो सकती है। बेहतर होगा अपने गुस्से पर काबू रखें और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। आज कामकाज और सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। घर में किसी खास मामले पर बात होगी, घरेलू परेशानियों का हल निकलेगा। आज किसी काम को करने में थोड़ी अधिक मेहनत लग सकती है। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। बच्चे आपके साथ खेलने की जिद कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज ऑफिस के कामों को पूरा करने में साथियों और अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी की भावनाओं को समझने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे जिससे पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। धर्म में आस्था बढ़ेगी, आध्यात्मिक चैतन्य बेहतर होगा। आज आप किसी के साथ कुछ वादे और कुछ सौदे कर सकते हैं। बच्चे अपने पिता से कुछ नई बातें भी सीखेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना आपके कुछ काम बिगड़ने की संभावना हो सकती है। आज किसी भी तरह की भाग दौड़ से बचें, आपको किसी भी काम में जोखिम लेने से बचना चाहिए। आज किसी खास काम को अकेले में निपटाने की कोशिश करेंगे तो कोई अच्छा खासा मौका छूट सकता है। बेहतर होगा किसी की मदद जरूर ले लें, घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रहेगा। आज बच्चे आपसे कहीं बाहर घुमाने की जिद कर सकते हैं। कामकाज को लेकर आपके दिमाग में नए विचार आएंगे जो आपको ज्यादा फायदा देंगे। लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी बुजुर्ग महिला से धन लाभ होगा। कारोबार को बढ़ाने के नए तरीके आपके सामने आएंगे। ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज सेहत के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज सोच विचार कर लिए गए फैसले फायदेमंद होंगे। आज भरोसेमंद दोस्तों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। आपको दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। आज बिजनेस और निवेश के मामले में फायदा हो सकता है। लव मेट्स के रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। साथी आपको कोई उपहार भी दे सकते हैं। धन धान्य में वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज किसी फैसले की स्थिति में तब तक शामिल न हो जब तक उसे ठीक से समझ न लें। आज कुछ काम योजना के अनुसार नहीं होने से मूड ऑफ हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उनके साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। आज आप अपने बच्चों के लिए खाने में बहुत अच्छा कुछ बना सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बाहर का खाना अवॉइड करिए। परिवार के साथ जीवन में बच्चों लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज पुराने निवेश से फायदा होगा। सही योजना बनाएंगे और सही दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। आज ऑफिस में आप पर वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप उसे समय रहते पूरा कर लेंगे। साथ ही आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने कुछ पुराने दोस्तों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आज दूसरों से समझौता करने की भी कोशिश करेंगे। आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, इससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज टूट चुके रिश्तों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं। आज कोई नया काम शुरू करने की सोचेंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। आसपास के लोगों से आप लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज पुरानी समस्याओं का कोई नया समाधान मिलने की संभावना है। आज धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। संतान से सहयोग मिलेगा। जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को इत्र गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नए स्रोतों से आज आपको उम्मीद से अधिक धन लाभ होने वाला है। मूलांक 2, व्यापार में कोई नई टेक्निक अपनाएंगे जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 3, ऑफिस में कोई नया वर्क शुरू करने से पहले अपने सीनियर्स की राय जरूर ले लीजिए। मूलांक 4, किसी खास दोस्त का फोन आएगा, उसको आप अपनी कोई पर्सनल बात बता सकते हैं। मूलांक 5, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, रिश्तेदारों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। मूलांक 6, ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर रहेगा, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। मूलांक 7, आज आप उत्साह से भरे रहेंगे, साथ ही घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। मूलांक 8, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे, साथ में कहीं घूमने जाएंगे। मूलांक 9, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे, जिससे पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि किस ग्रह के लिए कौन सा अन्य ग्रह मित्र शत्रु या सम है, और उस हिसाब से आपको किस ग्रह की चीज़ों को किसके साथ रखना चाहिए, किसके साथ नहीं रखना चाहिए। तो आपको बता दूं, सूर्य ग्रह के लिए चंद्रमा, मंगल और गुरु मित्र हैं।
बुध सम है, जबकि शुक्र और शनि ग्रह शत्रु हैं। इसके अलावा चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध मित्र हैं। मंगल गुरु शुक्र और शनि सम हैं, बुध के लिए सूर्य और शुक्र मित्र हैं। मंगल गुरु और शनि सम हैं, जबकि चंद्रमा शत्रु हैं। गुरु के लिए सूर्य, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं। शनि सम है, जबकि बुध और शुक्र शत्रु समान हैं। शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र हैं, मंगल और गुरु सम हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं। इसके अलावा शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र हैं, गुरु सम है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं। अब ये शत्रु मित्र से आप करेंगे क्या, क्या इस्तेमाल करेंगे इसका? देखिए, मंगल की चीजें, जैसे मंगल है और शनि शत्रु हैं। मंगल है अग्नि, शनि की दिशा है पश्चिम। अगर आप पश्चिम दिशा में अग्नि जलाएंगे तो शनि से संबंधित चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी, यानी आपको जीवन में न्याय नहीं मिल पाएगा, आपका हर्ष तत्व नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही शनि संबंधी लोहे की अलमारी अगर आप पूर्व दिशा में सूर्य की दिशा में रख देंगे तो उससे क्या होगा, आपको सूर्य संबंधी तत्व नष्ट हो जाएंगे, यानी दीर्घायु, जीवन में प्रकाश, जीवन में उन्नति, इन चीज़ों पे बुरा असर आएगा। तो ये हम आपको जो शत्रु और मित्र बता रहे हैं, और सबके एलिमेंट भी हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, बहुत से लोग नोट भी करते हैं, तो उन इस चीज़ को देखो, ज्योतिष एक समझ है, ज्योतिष एक जीवन शैली है। टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टू बिहेव अकॉर्डिंगली, कोई चीज़ आप समझिए। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपसे बताया, मंगल है अग्नि, उसकी दिशा है दक्षिण, शनि है लोहा न्याय, उसकी दिशा है पश्चिम। अगर आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे पश्चिम दिशा में तो क्या होगा, लेकिन अगर आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है और गोबर के ढेर पर मिट्टी से बनी कटोरी में सरसों का तेल जलाएंगे तो न्याय मिलेगा। हम ऐसे उपाय भी आपको अक्सर बताते हैं, आप हमारी बात सुन, लेकिन रेगुलरली पश्चिम दिशा में अगर आप रसोई कर लेंगे तो दिक्कत होगी ना, हर्ष तक तो नष्ट हो जाएगा, न्याय नष्ट हो जाएगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:11 तक रहेगी। आज सीता अष्टमी है, इस तिथि को माता सीता का प्राकट्य दिवस माना जाता है, इसे जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आज माता सीता की वंदना से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति तो मिलती ही है, साथ ही वे जीवन के मार्ग को सुगम भी बनाती हैं और कल्याण की ओर ले जाती हैं। इसके अलावा देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार होता है। अतः आज स्नान आदि के बाद माता सीता की हल्दी, चंदन और कुमकुम से पूजा करें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, साथ ही देवी माँ को किसी मीठी चीज़ का भोग लगाएं। इस प्रकार आज के दिन माता सीता की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, के हे हनुमान, तुम सभी को आठों सिद्धियां और नौ निधियां देने वाले हो जाओ। ये आशीर्वाद बड़ा, मतलब विचार सोचिए आप इस पे, कि इतना एबल बना दिया कि दूसरों को वो अष्ट सिद्धि नौ निधि दे सके, कि आठों सिद्धियां और नौ निधियां, करा हूं बहुत रघुना एक छू, कि हे पुत्र तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति बड़ा स्नेह हो जाए। तो माता सीता की कृपा से मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक चैतन्य का उदय होता है, मनुष्य का स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ता है और मनुष्य सहज ही तमाम सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वो तमाम सिद्धियों को प्राप्त करता है। इसके अलावा आज शाम 6:09 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ है कठोर। इस योग में कपड़े, वाहन, सोना आदि नहीं खरीदना चाहिए। इस योग में सोना खरीदने पर चोरी हो जाता है और कपड़े खरीदे जाएं तो जल्दी ही फट जाते हैं या खराब निकलता है। इसके अलावा आज रात 9:38 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा। इससे इसके देवता इंद्रदेव हैं और इसकी राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह ताबीज को माना जाता है, जो कि सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसका संबंध
चील के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चील के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप चील के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। इसके अलावा आज कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। दरअसल भैरव जी के तीन रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन में की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। साथ ही लंबी आयु का वरदान मिलता है और आज सुबह किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। जो लोग किसी नदी या तालाब में स्नान के लिए नहीं जा सकते वो घर पर ही अपने स्नान के पानी में पवित्र नदियों का आवाहन करके स्नान कर लें। उसी जल में कहिए गंगे च यमुने चैव कावेरी सरस्वती, सभी नदियों को बुलाइए कि सभी नदियों इसी में आ जाओ और उस भाव से स्नान करिए कि सारी नदियों का, नर्मदा आदि नदियों का आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, वरदान प्राप्त हो रहा है, सभी नदियों का जल इस जल में आ गया है। तो ये थी चर्चा आज सीताष्टमी, वज्रयोग, ज्येष्ठा नक्षत्र, कालाष्टमी की और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। लेकिन ये बता दूं कि सभी लोग, भले ये कोई इंडिविजुअल एक राशि के लिए नहीं, सभी राशियों के लिए है। अगर आप अपने विवेक या बुद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। यहाँ ह्रीं बीज है, हीं मध्य में, ह्रीं मध्य में है। ओम श्रीं ह्रीं शं, देखो मंत्र है शं शनैश्चराय नमः, उसके पहले ह्रीं लगाना है, उसके पहले श्रीं लगाना है। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः, इसको करिए, इससे लाभ होगा आपको। और अगर आप अपने सुख में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करिए और केवल शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके करीबी बिजनेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी आपको बिजनेस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक कटोरी हरे मोटे मूंग लेकर, मोटे के मतलब साबुत मूंग लेकर, आज पूरा दिन नमक वाले पानी में भिगोइए। अगले दिन भिगोए हुए मूंग को नमक वाले पानी से निकालकर साफ पानी से धोकर किसी जानवर को खिला दीजिए। अगर आप अपने पुत्र के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको शनि के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। देखो इसमें भी बीच में ह्रीं है लेकिन शुरुआत में ऐं है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन आपको, देखो ऐसा क्यों है, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं और दोनों में बिल्कुल पटरी नहीं खाती, बिल्कुल पटरी नहीं खाती। तो शनिदेव के, शनि देव की कृपा पाने के लिए कि आपके अपने बच्चों से संबंध अच्छे हो जाएं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः मंत्र पढ़ेंगे तो ये आपको कृपा प्राप्त होगी। तो आज के दिन इस मंत्र का 7 बार जप करिए। अगर बहन या बुआ के साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है तो आज आपको अपने भोजन से एक रोटी निकाल कर अलग रखिए, उसके 3 हिस्से करिए और उन 3 हिस्सों में से एक गाय को खिला दीजिए, एक कौवे के लिए रख दीजिए और एक कुत्ते को एक हिस्सा खाने के लिए दे दीजिए, गाय कौवा और कुत्ता। अगर आप जीवन में सुख शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आज आपको माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बता दूं कि ये स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की नहीं है तो इंटरनेट से आपको अर्गला स्तोत्र बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अर्गला का मतलब है कुंडी खटखटाना, अर्गला शब्द का अर्थ होता है कुंडी। देखो आप जब दुर्गा सप्तशती शुरू करते हो तो पहले उसमें कवच आता है, फिर अर्गला आता है, फिर कीलक आता है। जब पहले आप कवच, क्या है कि सप्तशती आप पढ़ते हैं ना तो जैसे आप रॉकेट लॉन्चर या तोप दागने जा, तोप तो कंधे पर रखे नहीं दागेंगे, लेकिन रॉकेट लॉन्चर अगर दागने जा रहे हैं तो रॉकेट आगे जाएगा, धक्का पीछे भी तो लगेगा। तो अब आप इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं या ऊपर से कोई चीज़ आएगी, कोई शक्ति आएगी तो उसके लिए नीचे सस्पेंशन चाहिए ना, वो सस्पेंशन कवच से क्रिएट होता है।
और अर्गला है शुरुआत करने के लिए कुंडी, माँ के दरवाजे में घुसने के लिए कुंडी, और फिर कीलक उत्कीलन विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार दधारिणे, ये यहाँ से शुरुआत कीलक की होती है सप्तशती में, है ना, कि भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को कील दिया है और जब आप कील उखाड़ेंगे मंत्र फ्री होंगे तो काम करेंगे। कलिकाल में कीलक बड़ा जरूरी, तो कवच अर्गला कीलक, आज के दिन आपको अर्गला स्तोत्र करना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये वाला स्तोत्र करना। चलिए आगे बढ़े। अगर आपके घर को किसी की काली नजर लग गई है जिससे आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद आपको शनिदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः, ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। देखो शंग बीज जो है वो कल्याण के लिए होता है। शंकर, भगवान शंकर का नाम शंकर क्यों पड़ा? कल्याण करो, कल्याण करो। उनका नाम तो शिव है, शिव शंकर, तो शंकर क्या, शंग माने कल्याण, कल्याण करो शंकर। इसी तरह शनि, शनि के लिए शंग बीज इस लगाते हैं, हे शनिदेव कल्याण करो हमारा। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम 31 टाइम्स जप करना चाहिए और जाप के बाद एक नीला फूल लेकर गंदे नाले में प्रवाहित करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होगा। अगर आपको अपने जीवन साथी की तरक्की को लेकर हमेशा दुविधा बनी रहती है तो आज तोते को हरी मिर्च खिलाइए, और ऐसा करना संभव ना हो तो तोते को यह बड़ी सी तस्वीर लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में लगाइए और रोज उसके दर्शन करिए, आपके जीवन साथी की अवश्य तरक्की होगी। अगर आप अपने हेल्थ इश्यू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज गाय को हरी घास खिलाइए और गाय के अगले दो पैरों में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाय माता को प्रणाम करें। अगर आप अपने घर को निगेटिव एनर्जी से बचाए रखना चाहते हैं तो आज एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें और जब तक वो काला न पड़ जाए उसे वहीं पड़ा रहने दें, बाद में उस फिटकरी के टुकड़े को फेंक दें, डिस्पोज कर दीजिए। अगर आप जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको किसी साफ नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए और उसके बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। और अगर आप किसी नदी या तालाब में न जा सकें तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा नदी का ध्यान करते हुए स्नान कर लें और उसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण के बाद भैरव का मंत्र जाप करें, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्री, देखो बटुक भैरव का रुद्रयामल तंत्र में यही स्वरूप दिया हुआ है। वैसे आंग रिंग क्रोंग, आंग क्रोंग रिंग, इस प्रकार आंग रोंग क्रिंग बम बटुकाय पद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम रिंग क्रोंग आंग स्वा, इस तरीके से है एक स्वरूप। लेकिन रुद्रयामल तंत्र में बटुक नाथ के मंत्र में केवल रिंग लगा है। आप किसी भी प्रकार करेंगे आपको लाभ होगा। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, इसको करिए। आज के दिन आपको विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं छिंदवाड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर छिंदवाड़ा में एक नीम के नीचे बना हुआ है। बताया जाता है कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी यहाँ पक्का फर्श न होकर गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली का दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर हनुमान जी के सामने आते हैं और बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी समस्या बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से हर समस्या दूर होती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ हजारों नारियलों से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 मार्च को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपकी बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:11 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:48 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है, अतः आज शाम 6:11 तक आपको नारियल
या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल शाम 4:48 तक आपको लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कागज पेन जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।